अभी देखो प्रैक्टिस सेट 1.5 का, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग का दो क्वेश्चन हो गया था, इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। हम लोग का क्या है, फादर का एज कुछ है और सन का एज जितना है उसका डबल है, इक्वल टू कितना 70, मीन्स टोटल कितना है 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, मीन्स अभी फादर का क्या है डबल एज है, एंड एड इज इट टू द एज ऑफ हिज सन, मतलब उसमें ऐड करो सन का एज, द सम इज 95 और वो टोटल कितना होगा 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मीन्स प्रेजेंट एज हम लोग को निकालना है कि प्रेजेंट एज या फादर का कितना एंड सन का कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूशन में क्या करना पड़े, लेट द फादर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर हो गया एंड द सन प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स, क्योंकि जो हमको निकालना रहता है वही हम लोग क्या करते लेट कर लिए, लेट कर लिए। अब हम लोग को फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में फादर प्रेजेंट एज जो भी है, सम ऑफ फादर एज जो भी है, तो सम ऑफ फादर एज क्या है एक्स प्लस, अब उसमें ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो ट्वाइस मीन्स क्या होगा डबल होगा किसका, सन का, तो सन को हम लोग लेट क्या किए वाई, तो टू वाई इक्वल टू टोटल कितना है 70। इक्वेशन हम लोग का क्या बन गया, 1 बन गया। अब इसके बाद यहाँ तक खत्म, यहाँ तक का खत्म, एक इक्वेशन बन गया। अब सेकंड के लिए हम लोग को इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब फादर का डबल एज है उसको दिखा दो, डबल एज ऑफ लिख सकते हैं, डबल द एज ऑफ फादर, तो लिख दू डबल एज ऑफ द डबल द एज ऑफ द फादर इज कितना है, जो भी फादर का एज आप क्या लेट किए थे, फादर का एक्स, तो डबल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, होगा। तो हम लोग का अब कंडीशन कैसे बनेगा, तो क्या बोला, वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, तो मतलब हम लोग का फादर का कितना हो जाएगा 2x, उसमें ऐड करूंगा सन का, तो सन का वाई इक्वल टू कितना है, कहाँ गया, द सम ऑफ इज 95। एक इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हम लोग को इक्वेशन देखना है, इक्वेशन देखोगे तो एक्स इधर 2x, इधर 2y, इधर y, अगर आप इसमें मल्टीप्लीकेशन 2 से करोगे तो y सेम हो जाएगा, अगर इसमें करोगे तो x, तो मैं मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट में कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय कितने से 2 से, इसमें हम लोग फर्स्ट में क्या करूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से करूंगा, क्या हो जाएगा 2x ए हो गया प्लस 4y इक्वल टू 2 का 7 बार पढ़ोगे कितना 0 14, ये हमारा एक नया इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड बन गया, क्या बन गया थर्ड बन गया। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ करता हूँ डायरेक्ट। अभी देखो हम लोग का क्या है, फर्स्ट से थर्ड बना है, तो अभी दोनों देखो क्या एक्स से कोफिशिएंट सेम है, मीन्स हम लोग क्या करूँ, दोनों प्लस है तो माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसको सेकेंड या थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब सेकेंड में से हम लोग थर्ड को क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 95 और ये क्या 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 140। अगर ये मैं इसमें से करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, 4 में से y जाएगा तो क्या बचेगा, 4y में से 1y जाएगा 3y, बट किस में माइनस में, 140 में से 95 नहीं जाएगा, तो मैं करके 140 में से 95 जाएगा, 95 में से नहीं जाएगा तो 140, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 13 बचा 3 बचा एक कैरी लूँगा 13 में से 9 गया तो 9 एक 10 4 आया, कितना आएगा 45 इतना आएगा। अब इसके बाद क्या करूँगा, इससे डिवाइड करूँगा, मीन्स क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 45 अपॉन 3, अब इसको करूँ तो कितना माइनस वाई इक्वल टू 3 बन जाए 3,
और 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 कितना आएगा, देयर फोर लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू माइनस 15। ये हम लोग का आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। अगर यही हम लोग क्या किए रहते, अगर बड़े में से किए रहते तो माइनस, या सॉरी यहाँ पर भी माइनस आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, क्योंकि एज में कभी भी हम लोग का क्या आएगा माइनस में तो आएगा नहीं, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो ये हम लोग का किसका निकल गया, सन का निकल गया, किसका निकल गया सन का। बट हम लोग को किसका निकालना है, इधर ही कर देता हूँ, हम लोग को फादर का भी निकालना है। तो फादर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे किए तो उसी हिसाब से हम लोग को y is equal to 15 put in equation किसमें भी कर दो, अब किसमें रख दो, अभी फर्स्ट में रख देता हूं। तो फर्स्ट हम लोग का इक्वेशन x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 70, x प्लस टू इंटू 15 प्लस इज इक्वल टू 17, x प्लस 15 टू जा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 30 मीन्स x इक्वल टू कितना होगा, इतना आ गया। बस यही तो हम लोग को निकालना था, एकदम सिंपल सा। अब इसके लिए लास्ट में हम लोग लिख देंगे आंसर में जो लेट किए, क्या लेट किए थे, फादर प्रेजेंट एज फादर प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, एज हम लोग को फादर को क्या लेट किए थे एक्स ईयर्स, तो हम लोग का एक्स इतना है भी 40 ईयर्स, कितना लिख दोगे 40। एंड हम लोग का दूसरा क्या था, हम लोग को द सन प्रेजेंट एज, बी अब सन को क्या लेट किए तो वाई, तो वाई का कितना आएगा 50 ईयर्स। बस क्वेश्चन खत्म, एकदम कंप्लीट। एक बार रिटर्न आपको समझा दे रहा हूँ, हम लोग को क्या दिया था कुछ क्वेश्चन में, पहले वाले में क्या बोला था, सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, मतलब फादर का जो एज था वेल है और उसका जो सन का एज है क्या है ट्वाइस है, मीन्स डबल है, इज सन इज 70 मीन्स टोटल कितना 70, तो हम लोग को लेट कर। और दूसरे में क्या बोला है, फादर का एज डबल है और सन का एज उसमें ऐड करना और टोटल कितना 95, और हम लोग को फाइंड करना है देयर प्रेजेंट एज, मतलब फादर और सन का जो प्रेजेंट एज। तो लेट द फादर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड द सन प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स, दोनों हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में एक्स हम लोग का फादर का जो है एक्स प्लस सन का डबल मीन्स टू वाई इक्वल टू 70 इक्वेशन फर्स्ट, डबल एज ऑफ द फादर 2x, तो इसके लिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 95 दोनों हुआ। इक्वेशन हम लोग फर्स्ट को सेकेंड के जैसा बना है, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट बाय टू, तो हम लोग को एक नया इक्वेशन बना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वाई का वैल्यू है, वाई को हम लोग पुट कर दे इक्वेशन वन में, हम लोग को एक्स का निकल गया, फादर प्रेजेंट एज भी 40 ईयर्स एंड सन प्रेजेंट एज भी 50 ईयर्स। इसको आप लोग लिख लो, आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.5 का फर्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन होगा, आप लोग लिख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, इतना। अभी क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट न्यूमरेटर। एक फर्स्ट इक्वेशन, इफ 6 इज द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स दोनों में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लोग को सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर of a fraction b y, हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप कर लिए, बट हमको क्या बोला है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, हम लोग को तो क्या लिखेंगे ट्वाइस, हाँ ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर को आप x लिख के उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसको लिखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज फोर मोर देन ट्वाइस इट न्यूमरेटर, मीन्स हम लोग का डिनोमिनेटर क्या वाई है इक्वल टू हम लोग का क्या फोर मोर देन, मीन्स पहले हम लोग का क्या फोर मोर देन बट ट्वाइस न्यूमरेटर, तो टू एक्स हो जाएगा ट्वाइस न्यूमरेटर प्लस फोर मोर देन है। अब इसको इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा, टू एक्स ए उधर जाएगा माइनस वाई और ए तो इधर रहेगा, मीन्स हम लोग का अगर इसको इधर ले जाएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, इसको यही रहने दो, इसको इधर लाए तो माइनस वाई और इसको इधर लाए तो माइनस फोर, तो इक्वेशन हम लोग का क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सेकंड वाला जो करना है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, हम लोग नहीं पहले यहाँ ही कर देता हूँ। हम लोग को क्या करना है, देखो फर्स्ट इफ सिक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन दोनों में से करना है, दोनों में से करना मीन्स वाई माइनस सिक्स एक हो गया इक्वल टू दूसरा वाला हम लोग का क्या हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स हो गया, बट हम लोग को क्या बोला है द डिनोमिनेटर बिकम ट्वेल्व टाइम्स द न्यूमरेटर, ट्वेल्व टाइम्स मीन्स ट्वेल्व से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स माइनस सेवेंटी टू, हाँ 72। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, वाई यही है इधर वाई नहीं है, मीन्स देखो ए क्या है टूएल एक्स, अभी देखो इसको हम लोग को अपने हिसाब से सॉल्व करना है माइनस सिक्स इक्वल टू टूएल एक्स माइनस सेवेंटी टू, यही इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, टूएल एक्स यही है रहने दो, अगर मैं लिखता हूँ वाई इधर आएगा माइनस टूएल एक्स ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस टूएल एक्स इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस होगा तो ट्वेल्व में से सिक्स जाएगा सिक्स, सिक्स माइनस में बचेगा लेकिन हमारा क्या होता है माइनस टूएल एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस सिक्सटी सिक्स, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। देखो ये लिखने के बाद मैं रिटर्न इधर लिख के सॉल्व किया, हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता फर्स्ट और सेकेंड माइनस में और ये हमारा किस में आएगा भाई प्लस में आएगा, तो हम लोग का प्लस में आएगा क्या, लेकिन अगर मैं उसको उस साइड रखता हूँ, अगर यही देखो हम लोग का अगर ऐसे भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया इतना, हम लोग का देखो नॉर्मल सा क्या किया मैं टूएल एक्स और ट्वेल्व माइनस में आएगा माइनस सेवेंटी टू, अब उसके बाद वाई का हम लोग देखो लिख लिया वाई यही रहने दिया, इस ट्वेल्व को इधर लाया इस सिक्स को उधर लेकर गया प्लस में होगा, अब ये देखो y इतना तो यही रह गया लेकिन a माइनस सेवेंटी टू और प्लस सिक्स माइनस प्लस माइनस तो माइनस सिक्सटी सिक्स आ गया, हम लोग का एक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या फर्स्ट इक्वेशन माइनस वाई है और ये प्लस वाई, तो मैं क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट आपका क्या है टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर और ये हमारा क्या है माइनस टूएल एक्स क्या है प्लस वाई इक्वल टू माइनस सिक्सटी सिक्स, मैं क्या करूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस टूएल्व में से टू जाएगा तो टेन एक्स बट किस में माइनस में एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोग का क्या करना है देखो माइनस और माइनस प्लस तो सिक्सटी सिक्स और फोर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा सेवेंटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेवेंटी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस में आ जाएगा, अभी देखो माइनस माइनस यहाँ क्या आएगा ए माइनस सेवेंटी आएगा तो इधर जाएगा, तो हम लोग का इधर कर देता हूँ मैं क्या हो जाएगा माइनस इधर जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सेवेंटी अपॉन टेन, तो मीन्स मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू सेवन, हाँ ये लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू सेवन, आने के बाद मैं अपना वाई निकालने के लिए मैं इक्वेशन इसमें रख देता हूँ फर्स्ट में ही रख देता हूँ एक्स इक्वल टू सेवन पुट इन इक्वेशन किस में करता हूँ फर्स्ट में, तो फर्स्ट में करोगे आपको क्या लिखा है फर्स्ट टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर टू इंटू सेवन माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर टू सेवन जा फोर्टीन, तो इधर प्लस में आएगा उधर डायरेक्ट करता हूँ तो मैं माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर और ए माइनस फोर्टीन माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा एट्टीन और एट्टीन का देर फोर वाई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा एट्टीन, तो बट हमको क्या निकालना है एक्स एंड वाई निकालना नहीं है, हम लोग को फाइंड द फ्रैक्शन, तो आंसर में लिख सकते हैं फ्रैक्शन इज अ ये हमारा क्या है न्यूमरेटर कितना है हम लोग का सेवेंटी सेवन एंड डिनोमिनेटर हमारा कितना आया
18, यही तो हमको निकालना था, 7/18। अभी एक बार रिटर्न इसको आपको समझा दे रहा हूँ। हम लोग को जो भी दिया था, हम लोग को लेट कर ले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, हम लोग को बोला था ट्वाइस द न्यूमरेटर मीन्स 2x, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन y इज इक्वल टू 2x + 4, हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट बना। सेकंड में हम लोग को बोला है इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स दोनों में से किया, एंड हम लोग को बोला है द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर मीन्स 12 से किया, तो हम लोग को आया तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में सेकेंड आया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को करने के बाद हम लोग को एक x का वैल्यू फाइंड हुआ, x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, हम लोग को y का वैल्यू आता है, बट हम लोग को निकालना क्या था, फ्रैक्शन इज 7/8 में 18, हम लोग को यही तो फ्रैक्शन निकालना था। तो आपका ये क्वेश्चन होगा, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस सेट 1.5 का दो क्वेश्चन इस लेक्चर में होगा, आप लोग का जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आगे का कराऊंगा।